हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय सिंह और आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल GTA 5 मोड गेमिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आपको जो ऑटो अपडेट का ऑप्शन आता है या जैसे आप लॉन्चर ओपन करते हैं आपके पास से अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है आपका GTA 5 गेम। तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए, जिस वीडियो मैंने आपको बताया किस तरह से आपका जो GTA 5 का लेटेस्ट वर्जन है 1.02060, तो इसे आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आपके ओल्ड वाले वर्जन के अंदर, ताकि आप उसके अंदर मूड है वो यूज कर पाए। क्योंकि आप सबको पता है कि नए वाले आप जो अपडेट आया है GTA के अंदर, उसके अंदर आप मूड से वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाए उस वीडियो को देख ले, अगर आपने वीडियो देख लिया है उसके बाद ये वीडियो देखें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे यही बोलूंगा, पहले उस वीडियो को जाए उसको देखें अच्छे से, उसके बाद इसे देखें। और एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, कल वाले वीडियो में देखा कि डिसलाइक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लाइक कम आ रहे हैं, डिसलाइक काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो मुझे ये समझ आता है वो डिसलाइक क्यों आए हैं, आप मुझे कमेंट के जरूर बताइए कि डिसलाइक आपने क्यों किया है। और आज मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कल मैंने देखा कि इसमें काफी सारे व्यूज आए हैं लेकिन कोई भी चैनल गए वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपका प्यार सपोर्ट हमें दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और अच्छे वीडियो लेके आ पाऊँ। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका गेम है वो स्ट्रीम के ऊपर है या एपिक गेम के अंदर है, तो दोनों में आपको जो ऑटो अपडेट का ऑप्शन आता है वो कैसे आप बाईपास कर सकते हैं और किस तरह से आप आपका ओल्ड वर्जन उसे यूज करके मूड वगैरह यूज कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको दो फाइल्स है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी, पहले है GTA 5 लॉन्चर बाईपास और दूसरी है हुक जो आप यूज करते हो। अगर आपके आपके पास हुक फाइल पहले से है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो आप लिंक, अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों फाइल को मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया और दोनों को मैंने एनजीप कर लिया, आप इन्हें डाउनलोड करके एनजीप कर सकते हो। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे जो मेरा GTA गेम यहाँ पे इंस्टॉल है उसे मैंने ओपन कर रखा है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। और ये सब करने से पहले आप सबसे फिर से बोलना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपने बैकअप है वो बना ले सभी चीज़ों का, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ GTA 5 लॉन्चर बाईपास, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर आपको तीन फाइल मिलेगी, आपको लास्ट वाली नहीं करनी है, आपको फर्स्ट सेकंड दोनों कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करनी है। ऑलरेडी मैंने कर रखा है इसे मैं इसे नहीं करने वाला। फिर आपको बैक जाना है, वापस जाना है और इसमें आपको फाइल में जाना है और यहाँ बिन में जाना है। इसमें आपको फर्स्ट और थर्ड कॉपी करना है, इसमें आपको सेकंड वाला कॉपी नहीं करना है और इसमें पेस्ट करना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं इसलिए नहीं करने वाला और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद आपको GTA 5 का जो ये है GTA 5 लॉन्चर, इसको आपको वहाँ पे करना है स्क्रीन पे शॉर्टकट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है GTA 5 को। और इस पे आपको जाके करना है राइट क्लिक और इस पे जाना है प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको जाना है शॉर्टकट के अंदर, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट है। इसके बाद आपको देखिए लास्ट में जो आपका पूरा यहाँ पे पार्ट आ जाएगा गेम का, इसके बाद GTA 5.exe लिखा डॉट, इसके बाद आपको एक स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद यहाँ पे .sc ऑफलाइन ओनली लिखना है, उसके बाद आपको अप्लाई करके ओके कर देना है और इसके बाद आपको सिंपल गेम पे डबल क्लिक के लॉन्च करना है। तो अगर आप स्ट्रीम के अंदर है तो आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा, तो आपको सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है। चलिए मैं ओके कर देता हूँ और हमारा गेम है यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं हमारे मोड वगैरह इसके अंदर काम करते हैं या नहीं। चलिए गेम के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मूड मेन्यू हमारा यहाँ पे बिल्कुल बरकरार है, सभी चीज़ यहाँ पे ओपन हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे अच्छे से यहाँ पे ये हमारा मूड है वो मेन्यू काम कर रहा है। अब बात करते हैं एपिक गेम के बारे में, अगर आपका एपिक गेम है तो इसे आपको कैसे करना है। तो आपको सिंपल आपको लॉन्चर ओपन करना है एपिक गेम का और इसके अंदर आपको जाना है सेटिंग के अंदर, मैं यहाँ पे सेटिंग के अंदर क्लिक करता हूँ। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, आपको सिंपल करना कुछ नहीं, आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रांड GTA 5 ऑटो 5, तो इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करके रखना है। और इसके बाद यहाँ पर सिंपल आपको वही चीज़ें लिखनी है /sc ऑफलाइन ओनली लिखे, इसे आपको सेव कर देना है। चलिए मैं इसे एंटर प्रेस करके इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा सेव हो चुका है, इसके सिंपल आपको गेम को लॉन्च करना है। तो हमारा गेम यहाँ पे देखिए रॉकस्टार का लॉन्च स्टार्ट हो चुका है और गेम यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं इसमें भी हमारे मूड वगैरह काम करते हैं या नहीं। चलिए गेम लॉन्च हो गया, यहाँ पे देखते हैं हमारा मेन्यू बिल्कुल वापस से यहाँ पे ओपन हो चुका है और सब कुछ यहाँ पे काम कर रहा है। तो दोस्तों ये आपको फिर से बता दूं, ये सिर्फ स्ट्रीम और एपिक गेम के लिए, आपका रॉकस्टार लॉन्चर में आप गेम खेलते हैं तो उसके लिए नहीं है, इसमें काम नहीं करेगा, आप सिर्फ इसे एपिक गेम और स्ट्रीम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो प्लीज आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का आइकॉन है उस पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दें, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आ पाऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इस तरह से प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, देखते रहें, सीखते रहें, बाय, टेक केयर, जय हिंद,
वंदे मातरम।